फिल्म दीवाना मस्ताना का पप्पू पेजर। ए पप्पू पेजर के पास मस्करी का टाइम नहीं है, समझा क्या? सीधे सीधे बोल, तू ये है कि नहीं? अबे आ क्या? मिस्टर इंडिया का कैलेंडर। अगर हम अपना ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दे, यानी कि पेइंग गेस्ट। स्वर्ग का एयरपोर्ट। भैया इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, नाम नहीं बताओगे क्या? साजन चले ससुराल का मुथु स्वामी। ये डंडा लोटा लेके तुम भैंस के तबेले में जाओ, कंपटीशन का बात मत करो। अबे ओए। बड़े मियां छोटे मियां का शराफत अली। भैया तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया है, बंदे को शराफत अली कहते हैं। और ना जाने ऐसे कितने ही किरदार हैं जो सतीश कौशिक ने निभाए, और हर किरदार को इस तरह से तराशा कि हमेशा के लिए लोगों के दिल में उतार दिया। फिल्मी पर्दे पर सबको हंसाने वाले सतीश कौशिक असल जिंदगी में भी बड़े मस्त मौला टाइप के इंसान थे। उनके दोस्तों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें अनुपम खेर, अनिल कपूर जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर सतीश कौशिक के साथ नजर आते रहे हैं। सतीश के जाने से फिल्मी कलाकार तो उदास हैं ही, साथ ही आम पब्लिक भी गमगीन है। आइए आज बॉम्बे की बात में आपको सतीश कौशिक की जिंदगी के हर अनछुए पहलू से रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हरियाणा के एक छोटे से गांव का लड़का बंबई नगरी कैसे पहुंच गया और अपने सपनों को उसने पूरा भी कर लिया। ये बुल्लू नाम का छोकरा तेरे मर्डर की सुपारी लेके मेरे पास आया था और ये फोटो भी साथ में लाया था। उनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव धनोंदा में हुआ था। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और एक्टिंग सीखने के लिए एनएसडी गए, बाद में एफटीआईआई पुणे ज्वाइन कर लिया। सतीश कौशिक ने पर्दे पर लोगों को हंसाने का खूब काम किया, मगर उनकी असल जिंदगी ठीक इसके उलट थी। उनकी जिंदगी में जैसे दुखों का अंबार था। रियल लाइफ में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले सतीश कौशिक की रियल लाइफ इसके एकदम उलट रही है। खुशियों से ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में दुख देखे। औलाद का सुख तो उन्हें कभी ठीक से नसीब ही नहीं हुआ। 1985 में शशि कौशिक से शादी की और शादी के 9 साल बाद घर में बेटे का जन्म हुआ, पर इसे बदनसीबी ही कहेंगे कि 2 साल की उम्र में ही उनके बेटे की मौत हो गई। बेटे शानू की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया और बहुत साल तक वो इस दर्द के साथ जीते रहे। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद 2012 में उनके घर में बेटी वंशिका का जन्म सरोगेसी से हुआ था। उस वक्त सतीश 57 साल के थे। उनके घर में ये खुशी बेटे शानू की मौत के 16 साल बाद आई थी। सतीश ने बेटी के जन्म की खुशखबरी साझा करते हुए अपने बयान में कहा था कि ये एक बच्चे के लिए हमारे लंबे और दर्दनाक इंतजार का अंत है। अब आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। दरअसल एक बार सतीश कौशिक ने अपनी दोस्त नीना गुप्ता को शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दौरान वो प्रेग्नेंट थी। किसी ने इसे गलत नजर से देखा तो कुछ समझदार लोगों का मानना है कि सतीश अपनी दोस्त नीना की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रेग्नेंट नीना के सामने शादी का प्रपोजल रखा। दरअसल नीना गुप्ता 80 के दशक में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। विवियन पहले ही मिरियम नाम की एक महिला से शादी कर चुके थे और जिससे उन्हें 2 बच्चे भी थे। ऐसे में जब नीना प्रेग्नेंट हुई तो विवियन ने नीना से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नीना बुरी तरह टूट चुकी थी। सतीश को जब इस बारे में पता चला तो वो सीधा नीना के पास पहुंच गए और उनका दुख कम करने के लिए शादी का प्रपोजल सामने रख दिया, लेकिन नीना ने इसे ठुकरा दिया और नीना ने 1989 में बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और अकेले ही उसकी परवरिश की। हालांकि इसके बाद भी वो क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से टच में रही।
ये सब ऐसे दौर में हुआ जब सिंगल मदर स्टेटस का कोई ट्रेंड नहीं था। पर नीना ने जमाने की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश की और इसी का नतीजा है कि उनकी बेटी मसाबा गुप्ता एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई। बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक यारों के यार थे। इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ तो उनकी गहरी दोस्ती रही है और बॉलीवुड में उनके सबसे करीब जो दो लोग थे वो थे अनुपम खेर और अनिल कपूर। इन तीनों की दोस्ती सालों पुरानी है। अनिल और सतीश कौशिक मिस्टर इंडिया के जमाने के दोस्त हैं। वहीं अनुपम खेर और सतीश की दोस्ती 45 साल पुरानी है। एनएचडी के जमाने से ये दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये यारी नंबर वन यारी है। बॉलीवुड के इतने सक्सेस एक्टर की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्होंने सुसाइड करने की बात सोची। चलिए ये किस्सा भी आपको बताते हैं। दरअसल सतीश कौशिक को बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से। ये फिल्म प्रोड्यूस की थी बोनी कपूर ने और फिल्म में स्टार थे अनिल कपूर और श्रीदेवी। ये अपने जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका एक सीन चलती ट्रेन से हीरे चोरी करने वाला था। कहा जाता है कि इस अकेले सीन को फिल्माने में 5 करोड़ रुपए लग गए थे। इतना भारी भरकम बजट और अच्छी स्टार कास्ट के बावजूद भी ये फिल्म नहीं चली। इसकी असफलता से दुखी सतीश के मन में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। इस बारे में खुद सतीश भी कई बार बता चुके हैं। सतीश कौशिक को 1989 में आई फिल्म राम लखन और 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल के लिए 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। एक्टर के अलावा वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे। कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके सतीश को उनके फनी डायलॉग्स के लिए भी जाना जाता था। अपनी जिंदगी हमेशा जिंदा दिली से जीने वाले सतीश कौशिक अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से बॉलीवुड को जो नुकसान हुआ है उसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती है।